एक साल बाद टीम इंडिया में एक साथ दिखेंगे ये चार खतरनाक खिलाड़ी। टीम में इनके आते ही वर्ल्ड कप में पूरी तरह बदल जाएगी टीम इंडिया। ये चौकड़ी दिलाएगी भारत को 2023 का वर्ल्ड कप। कप्तान भी करते हैं आंख मूंद कर भरोसा। वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इस साल अक्टूबर नवंबर में महीने में होना है और ये मुकाबला भारत में होगा। घर में खेलते हुए टीम इंडिया 10 साल से चले आ रहे ICC खिताब के सूखे को खत्म करना चाहेगी। पिछले एक साल में टीम को कोई कई बड़े मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस साल वर्ल्ड कप से पहले टीम में चार स्टार खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। ये खिलाड़ी अपनी इंजरी के चलते लंबे समय से टीम से बाहर थी और महीनों बाद फिर एक साथ खेलते हुए नजर आएंगी। तो आइए जानते हैं कि यहाँ बात किन खिलाड़ियों के बारे में हो रही है। नंबर एक, जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिछले साल सितंबर के बाद से ही क्रिकेट से दूर हैं। बुमराह सितंबर 2022 से ही अपने पीठ की चोट से जूझ रहे थे, लेकिन अभी खिलाड़ी लगभग फिट हो चुका है। हाल ही में रिपोर्ट्स में खबर आई कि बुमराह अगस्त में होने वाले आयरलैंड सीरीज में वापसी करने वाले हैं। करीब एक साल बाद टीम में लौट रहे बुमराह वर्ल्ड कप में टीम का सबसे अहम हिस्सा होंगे। वहीं से पहले खिलाड़ी एशिया कप में भी खेलता हुआ नजर आएगा। नंबर दो, श्रेयस अय्यर। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को अपनी पीठ के निचले हिस्से में उभरी हुई डिस्क से परेशान होकर मार्च 2023 में क्रिकेट छोड़ना पड़ा था। तब से खिलाड़ी टीम से ही बाहर है। अय्यर को अहमदाबाद में खेला गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अंतिम टेस्ट मैच भी छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मई में लंदन में उनकी सर्जरी हुई और अब फिजियोथेरेपी चल रही है। उम्मीद है कि ये खिलाड़ी भी एशिया कप में लौट आएगा। वर्ल्ड कप में अय्यर टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर खेलते नजर आएंगे। ऐसे में उनका भी जल्दी लय में आना बेहद जरूरी है। नंबर 3, KL राहुल। IPL 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करने वाले KL राहुल को इसी साल लीग के एक मैच में फील्डिंग करते हुए तगड़ी चोट लगी थी। उसके बाद ये खिलाड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो गया था। राहुल को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, लेकिन ये खिलाड़ी अपने सर्जरी के बाद तेजी से रिकवरी कर रहा है। राहुल वनडे टीम में निचले क्रम में टीम में अहम बल्लेबाज है। 5 से 6 नंबर पर खेलते हुए राहुल का प्रदर्शन कमाल का रहा है। इस बल्लेबाज का वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में लौटना बेहद ही जरूरी है। और नंबर 4, ऋषभ पंत। ऊपर जिन 3 खिलाड़ियों की हमने बात की, इन सभी की एशिया कप तक वापसी तय मानी जा रही है, लेकिन स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एशिया कप तक वापसी नहीं कर पाएंगे। इस साल की शुरुआत से ठीक पहले एक रोड एक्सीडेंट में चोटिल हुए पंत को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जितनी तेजी से वो रिकवरी कर रहे हैं, BCCI को उम्मीद है कि पंत टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे। हालांकि देखना खास रहेगा कि ये खिलाड़ी कब तक रिकवर होकर वापसी करता है। तो ये है वो चौकड़ी जिस पर कप्तान भी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।